हम जा रहे हैं मनवा माता, जिनको नहीं पता, मनवा माता हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर है, एक गुफा सी है, वहाँ मंदिर है माता का, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ के आपको दर्शन वगैरह कराएंगे आज। आज फिर से आ गए माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, आज फिर नहीं डरना, हमने माउंटेन ड्यू लेके पी के फिर करेंगे हम उल्टी हरकतें जो हम करते होते हैं हमेशा की तरह। वो रहा मेन गेट एंट्रेंस मंदिर का, सभी जा रहे हैं, मैं थोड़ा पीछे रह गया क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी है, तो चलो फिर चलते हैं आगे मंदिर पे। और ये रहा मेन गेट है एंट्रेंस यहाँ से मंदिर का, अंदर चलते हैं और अंदर के आपको दर्शन कराएंगे माता के। तो गाइस जस्ट अभी पहुंचे हैं मना माता, तो वहाँ पे गेट है, गेट से एंटर होके अंदर जाएंगे, अंदर आपको दर्शन कराएंगे सब कुछ। तो जिस प्रकार है यहाँ की गुफा, यहाँ से आ रहे हैं सभी अंदर दीदी और ये रही वो गुफा, यहाँ से बाहर निकलते बिल्कुल ओपन हो जाएगा, सामने का एरिया कुछ ऐसा है यहाँ से। तो गाइस ये है वो शिव शंभू जी की शिवलिंग, जो बिल्कुल नेचुरली एक पत्थर पे बनी हुई है। Hey guys, good morning and welcome back to another video. तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है मेरे रूम से, ये रहा मेरा रूम, और अभी हम जा रहे हैं मनवा माता, जिनको नहीं पता, मनवा माता हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर है, एक गुफा सी है, वहाँ मंदिर है माता का, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ के आपको दर्शन वगैरह कराएंगे आज, तो चलो वहाँ चलते हैं पहले। सो गाइस स्कूटी वगैरह स्टार्ट कर ली है, बाकी वाले सामने आके तैयार खड़े हैं और मैं भी तैयार ही हूँ, ये पूरा सेटअप हेलमेट वगैरह लगा के तैयार हो गए, आप चलेंगे, बाकी वाले आ रहे हैं गाड़ी में, मेरे साथ एक बंदा जा रहा है साथ में क्योंकि स्कूटी पे इतने बंदे आ नहीं सकते, तो चलो फिर निकलते हैं, तो आगे मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स जस्ट अभी हम पहुंचे हैं बैरागोआ, ये बैरागोआ का एरिया है और सामने जो पहाड़ आपको बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ दिख रही हैं ना, वो पहाड़ियाँ हैं बकोरी की, एक मिनट आगे से दिखाता हूँ आपको सही तरीके से क्योंकि यहाँ पेड़ है। ये देखो ये जो सामने पहाड़ आपको दिख रही है ना, पहाड़ी इतनी क्लियर नहीं दिख रही होंगी क्योंकि थोड़ा मौसम ही वैसा है, वो बकोरी की पहाड़ी है, अभी बर्फ थोड़ी कम है, कम क्यों है, इस टाइम तो होनी चाहिए बर्फ, पर चलो जो भी है, अभी निकल गए हम गाना के लिए यहाँ से, तो चलो फिर आगे आस्ता आस्ता। तो गाइस ये आ गया सामान खाने पीने का सारा, चिप्स वगैरह केक वगैरह सब कुछ एपिजेड, अब वहाँ पे पिकनिक ही करनी है हमने। आज फिर से आ गए माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, आज फिर नहीं डरना, हमने माउंटेन ड्यू लेके पी के फिर करेंगे हम उल्टी हरकतें जो हम करते होते हैं हमेशा की तरह, तो चलो निकले आगे यार, बाकी वाले जो पीछे रह गए थे वो आ गए, उनकी गाड़ी चली गई आगे, हम पीछे ही रह गए फिर से। यहाँ पे स्कूटी हमने पार्क कर दी है, वो पार रही गुफा, अभी वहाँ पे थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है, ऊपर गुम्बद वगैरह बन रहा है, तो चलो चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये खड़गाला से आते टाइम यहाँ से आते ही पहले ये मंदिर आता है यहाँ पे फ्रंट पे, यहाँ से नीचे से रास्ता निकलेगा सीधा आपको पार गुफा तक पहुँचाएगा वो, तो चलो चलते हैं सीधा पार मंदिर। तो गाइस वो पार जाना हमने, और अभी इन दिनों में गुम्बद बन रहा है वहाँ पे गुफा के ऊपर, जो ऊपर से थोड़ा एरिया खुला था, तो ये आस्ता आस्ता मतलब इतनी डेवलपमेंट हो रही है, ये एक अच्छा है हमारे लिए, तो कोई जगह डेवलप हो रही है मतलब मंदिर हमारा, यहाँ पे भी पीछे मंदिर है, ये तो चलो बैक साइड है, चलते हैं सीधा पार और आपको पार का दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं मंदिर माता के अंदर, तो चलो चलते हैं। ऐसे हमारा यहाँ आने का प्लान नहीं था, आज दीदी का बर्थडे है, तो चलो हमने सोचा कहीं थोड़ा एक पिकनिक भी हो जाएगी और मंदिर से भी हो आएंगे, इसलिए हम आ गए। तो गाइस ये है यहाँ की बौली, जहाँ से फ्रेश वाटर निकलता है अंदर से और पीने के लिए होता है, यहाँ पे हमने खाना चाना खाने का यही प्रोग्राम है, जो खाना घर से लाया और यहीं पे आके खाएंगे, तो फिलहाल तो चलते हैं ऊपर,
वो रहा मेन गेट एंट्रेंस मंदिर का। सभी जा रहे हैं, मैं थोड़ा पीछे रह गया क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी है। तो चलो फिर चलते हैं आगे मंदिर पे। ये रही यहाँ की थोड़ी स्टेयर्स हैं, स्टेयर चढ़ के जाएंगे ऊपर और आपको अंदर गुफा में दिखाएंगे, अंदर माता के दर्शन वगैरह कराएंगे। तो चलो चलते हैं। ये आगे हम ऊपर पूरा चढ़ के, और ये रहा कुछ यहाँ का एरिया और बाकी वाले ये अभी तक पीछे पीछे आ रहे हैं आस्ता आस्ता। थक गए बेचारे यार, कुछ मासी हो तो यहाँ आते ही बैठ गए। चलो यहाँ से हाथ वगैरह धोएंगे, शूज उतारेंगे साइड पे, चलते हैं अंदर फिर मंदिर पे। तो भाई यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, जैसे ये शेड बन गया नया, और भी काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखो टाइलें वगैरह लगी हैं और ये रहा मेन गेट है इससे एंट्रेंस यहाँ से मंदिर का। अंदर चलते हैं और अंदर क्या कुछ दर्शन कराएंगे माता के। तो गाइस जस्ट अभी पहुंचे हैं मना माता, तो वहाँ पे गेट है, गेट से एंटर होके अंदर जाएंगे, अंदर आपको दर्शन कराएंगे सब कुछ। तो पुजारी जी का पता नहीं यहाँ पे हैं कि नहीं फिलहाल, तो चलो चलते हैं आ जाओ। कुछ ऐसी गुफा है यहाँ से अंदर, बाकी वाले ये आ रहे हैं आस्ता आस्ता। चलो गाइस चलते हैं अंदर। इस प्रकार है यहाँ की गुफा, यहाँ से आ रहे हैं सभी अंदर दीदी और ये रही माता की मूर्ति। ये रही वो गुफा, यहाँ से बाहर निकलते बिल्कुल ओपन हो जाएगा सामने का एरिया, कुछ ऐसा है यहाँ से। वो रहा पार वो वाला मंदिर जहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है। तो चलो फिर चलते हैं नीचे, अभी एक दो गुफाएं और हैं यहीं पे, उनमें भी चलते हैं, वहाँ पे भी दर्शन कराते हैं आपको। तो फिर मिलते हैं आपसे। चलो दो तीन वो देखो वो जा रहे हैं कुछ, बाय बाय। वो इतनी जल्दी नीचे पहुँच गए और हम अभी ऊपर हैं। चलो यहाँ पे वो ऊपर से बना रहा था मैं वीडियो, यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे फ़ोटोशूट क्योंकि थोड़े फ़ोटो यहाँ पे अच्छे आते हैं, फ़ोटोशूट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हाँ चल दिए, यहाँ पे भी चल रहा फ़ोटोशूट। तो लेट्स गो, फिर आगे आपको नेक्स्ट गुफा दिखाते हैं हम। तो भाई अब जो नेक्स्ट गुफा है वो है शिव जी की, शिव शंभू की। तो चलो लेट्स गो, चलते हैं सीधा गुफा पे। Thank you.
तो गाइज ये है वो शिव शंभू जी की शिवलिंग जो बिल्कुल नेचुरली एक पत्थर पे बनी हुई है, कोई आर्टिफिशियली नहीं है। और ये सामने शेषनाग जी, और वहाँ पे माता रानी का शेर, यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ, अभी कुछ का मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पे पूरा माता जी का मुख बना हुआ है, पार्वती माता का। जय शंभू। तो भाई अब जिस गुफा में हम जा रहे हैं वो है गौ माता की गुफा, तो चलो चलते हैं, आपको अंदर जाके दर्शन कराएंगे। फिर ये रही गुफा, यहाँ से अंदर जा रहे हैं, तो अंदर चल के बताते हैं। अंदर थोड़ी खुली है, बस यहाँ से अंदर एंट्रेंस इसका थोड़ा वो है, थोड़ा टाइट है। गाइस ये रहे कृष्ण भगवान, और यहीं पे कहते हैं कि इस साइड गौ माता है, कि गौ माता जी के धन है। अभी तो फिलहाल मुझे कुछ इतना पता नहीं है यहाँ का। और ये जो ऊपर से मूर्ति है, इसमें से आवाज़ आती है, मतलब ओम की आवाज़ आती है। तो भाई ये रही एक नई मूर्ति स्थापना हुई है, शायद चंडी माता की है। ये दर्शन कर लो आप भाई, यहाँ पे भी दर्शन किए, और यहाँ से पार सामने का व्यू कुछ ऐसा है, ये देखो। तो भाई अभी जस्ट हमने दर्शन कर लिए हैं, अब जा रहे हैं वापस नीचे। जो बबली दिखाई थी आपको, हमने उस बबली पे जाएंगे, वहाँ पे पानी वगैरह है, वहाँ बैठ के खाना छाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, फिर जाएंगे घर को। तो भाई चल दिए अब नीचे घर की ओर, खाना छाना खा के निकलेंगे। तो चलो भाई चलते हैं, बाकी वाले हमेशा की तरह भाग रहे हैं आगे आगे, मैं पीछे पीछे। वहाँ पे खजाना निकल रहा है, खजाना। ये तो छोटा मोटा खाने पीने वाला सिस्टम है, मतलब स्नैक्स वगैरह हैं, इसको शायद बाद में खाएंगे, पहले करेंगे पेट पूजा। हाँ शायद ही है, मुझे पक्का वाला थोड़ी है, आपका क्या बोलते हो, क्या करना है शायद। तो चलो फिर आपको प्लेटिंग लगा के फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या लाया हमने घर से। हाँ प्लेटिंग लगना शुरू हो गई है, आदमी को मिल गई है, और वो भूखी खाना भी शुरू कर गई है। आलू की सब्जी और पूड़ियाँ, साथ में आम का अचार। किसका अचार है? तो मूली का। मोए मोए करते हैं यार ये घर वाले मेरे साथ। ये आ गई प्लेट भाई, खा के मिलते हैं आपसे। जरूरी सूचना, जो भी किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो, मतलब पवित्र स्थान में कहीं पे भी जा रहे हो, मतलब घूमने कहीं भी जा रहे हो ना, कुछ भी खाते हो तो उसको प्लीज़ अपने साथ बांध के ले जाओ, डस्टबिन में डालो, ऐसे खुले में नहीं फेंको, जैसे कि वो पीछे प्लेट पड़ी है किसी की, बहुत कुछ पड़ा है यहाँ पे। लेकिन हम अपना सामान लेके जा रहे हैं अपने साथ, इसको हम डालेंगे कहीं डस्टबिन में। यहाँ बैठे से हम खाना खाने, बिल्कुल साफ़ सफाई कर दी है, और इनके यहाँ फोटोशूट ही नहीं ख़त्म हो रहे, बस करो। हाँ यही जगह होती है चश्मा लगाने की। गाइस ये देखो मंझियाँ, और ये पार बावली, वहाँ पे पानी छानी पियेंगे अभी बैठ के, तो फिर निकलेंगे घर की तरफ। ये यहाँ रही बावली, बावली में पी रहे हैं पानी क्या? और ये लोग चुप नहीं रहते, बस शोर किए जा रहे हैं, शोर। हाँ गाइस ये देखो बैठ के लाइन लगा के जैसे लंगर लगा होता है। यहाँ पे चिप्स वगैरह खुलेंगे अभी, तो खाते हैं और खा के निकलेंगे फिर। गाइज लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि फोन गिर गया, टूट गया यार, अब नया फोन लेना पड़ेगा। तो भाई अभी हम निकल गए खड़गाला से, अब चले घर। Thank you.
ये भी बाजार गया था, बाजार से अभी आगे रुकाऊँ थोड़ी देर, तो चप्पल में आगे गलती कर दी यार। बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है, बुरा हाल हो रहा है। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।